सेल जांच में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील अजवानी आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में राज्य में लॉकडाउन के बाद जो बाजारें खोली, जैसे ही बाजारें खोली वहाँ पे उल्लासनगर 5 के जींस गारमेंट के व्यापारियों में चहल पहल तो अच्छी हुई, लेकिन एक बैठक ऐसी की उन्होंने गारमेंट्स वालों ने जो कि एक हैरत गई थी और उसने एक नया रूप ले लिया। और अंत में उन्होंने यह निर्णय लिया कि क्यों न होलसेल व्यापारी हैं उनसे भरपाई की जाए, वह उन्हें ब्याज दर में कटौती, लेट पेमेंट देके, लेट पेमेंट का खामियाजा। यह निर्णय लिया कि क्यों न कि जो कपड़े के होलसेल व्यापारी हैं जो कि जीन्स में इस्तेमाल होने वाला डेनिम रोल के होलसेल व्यापारी हैं उनको निशाना बनाया गया, उनको लेट पेमेंट फीस वह उनके ब्याज दर को साफ किया जाए। विषय में हमारी मुलाकात हुई भाजपा के युवा अध्यक्ष श्री नरेश अरोड़ा से। सुनिए क्या कहते हैं श्री नरेश अरोड़ा जी और क्या संदेश देना चाहते हैं नरेश अरोड़ा जी। आज लॉकडाउन खत्म होने के बाद कुछ हमारे गारमेंट्स वालों ने आपस में एक मीटिंग ली थी, जिसमें एक व्यापारी ने बोला कि मेरे पास 3500 3500 जीन्स के रोल पड़े हैं, वो रोज तकरीबन 7 करोड़ के आसपास के होते हैं। वहाँ पे 20 से 22 व्यापारी लोग बैठे थे। 3500 रोल मतलब 7 करोड़ का अमाउंट होता है। वहाँ पे कोई व्यापारी ऐसा था मतलब 7 करोड़ उसको चुकाना था 3500 रोल का, कोई व्यापारी ऐसा था जिसका 5 रोल था, 10 रोल था, 25 रोल था, 50 रोल था, मतलब अबाउट नियर अबाउट किसके ऊपर 10 लाख रुपया देना था जीन्स के, मतलब जो कच्चा माल वापस दे ना, कच्चा माल देते हैं ना, जैसे अम्मा सेठ है, टीकू है, जो डेनम दुनिया भर के जीन्स के कपड़े बेचते हैं होलसेल व्यापारी है, ये जो जिनके पास बड़ा मतलब बल्क अमाउंट है बाजार का, वो लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था कि 7 करोड़ कैसे चुकाएंगे, दुनिया भर का मगजमारी, और छोटे छोटे व्यापारियों को मिलके आज एक संगठन बनाने की कोशिश की कि हम लोग इनको दाड़ा, जिसको बोले दाड़ा या ब्याज दर बोलो, हम लोग नहीं देंगे। लेकिन वो गलत चीज़ है, उनका सोचने का एक तरीका है ना, वो गलत है। उनको उन्होंने माल लिया है, उनको पैसा देना है। छोटे छोटे व्यापारी को लेके जीन्स के कच्चे रोल वाले, मतलब जो रोल बेचते, मतलब जो कच्चा कपड़ा बेचते, उनको ब्लैकमेल करने का एक तरीका उन्होंने ढूंढा है कि हम लोग पैसा नहीं देंगे या पैसा लेट देंगे, लेट अमाउंट का उनको कोई ब्याज नहीं देंगे। अभी जो रोल लेके आते मिल से, तो वो लोग क्या उधर ब्याज नहीं भरते, वो लोग का क्या पैसा घर का है, वो लोग क्या बैंक से सीसी नहीं उठाते, उठाते हैं वो वहाँ पे ब्याज भरते हैं। कोई भी रहे, कोई भी मतलब गारमेंट वाला रहे या कच्चे रोल वाला रहे, वो भरते हैं ना, उनको तो पैसा वहाँ पे चुकाना है ना। और ये जो संगठन बना रहे जिनके ऊपर बड़ा कर्जा है या बड़ा पेमेंट चुकाना है, वो छोटे लोगों को जिनके ऊपर छोटा छोटा कर्जा है, 10 रोल, 5 रोल, 50 रोल, 25 रोल का, वो उनको मिसगाइड कर रहे, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ आज जो मीटिंग हुई, मेरे पास उसकी वीडियो क्लिपिंग है, मेरे पास फोटोज है, मेरे पास हर बात आई थी, लेकिन उसमें छोटे व्यापारियों को लेके जीन्स के जो रोल्स बेचते हैं ना, उनको ब्लैकमेल करने का तरीका है वो, लेकिन वो नहीं करना चाहिए उनको। और उस मीटिंग में मेरे पास वीडियो है, मैं वीडियो भी दिखा रहा हूँ आपको। उस वीडियो में ऐसा बोला गया कि दिनेश लेनाणी और अपना गोपी वाधवानी, गोपी वाधवानी जी भी मेरा बड़ा भाई है, दिनेश लेनाणी मेरा छोटा भाई है, कि इन दोनों को छोड़ के एक हम अलग संस्था बनाएंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ उसका कोई मतलब है नहीं, संस्था बनाएंगे तो उनका कहना था कि दिनेश लेनाणी 2 नंबर, मतलब अपना ओमी कलानी से पूछ के कोई भी बात करता है, और अपना गोपी वाधवानी हमारे बड़े भाई के लिए बोला गया कि वो भी पहले बोला गया था कि पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, पॉलिटिक्स में किसी को एंट्री नहीं देंगे, फिर वो खुद पॉलिटिक्स में चला गया। जहाँ तक मैं समझता हूँ जींस व्यापारियों को, गारमेंट वालों को, रोल वालों को पैसा अदा करना चाहिए,
और आपस में संगठन नहीं बना के जिस जिससे जिसका माल लिया गया है वो लोग आपस में व्यापार करते हैं, आपस में बात करके उनको आपस में सुलह करना चाहिए, ना कि जिसके ऊपर 7 करोड़ का जाए 3500 रोल उसके बहकावे में आके, उसके बहकावे में आके दुनिया भर को परेशान करना। अभी अभी लॉकडाउन खलास हुआ है, क्यों किसी को मिसयूज़ कर रहे, दीप लक्ष्मी हो, कमलेश गारमेंट हो, मतलब नहीं कुछ भी। हमारे उल्लासनगर 5 में शंकर पोपटानी करके एक मीसी चलाता था दूध नाके पे, जिसने मार्केट के 12 से 13 करोड़ रुपए कुछ अंदर किए थे। तो उसमें पप्पू कालानी जी का बेटा कौमी कालानी जी बीच में आया था, उसके दुकान को लाख लगा के गया। बाद में फिर हमारे भाई दिनेश लेनानी की इधर उनका मीटिंग हुआ, व्यापारी लोग सब आए थे, वहाँ पे कहा गया कि सब व्यापारी को पैसा मिलेगा। ओमी कालानी ने कहा था कि इसके ऊपर 12 करोड़ 13 करोड़ कर्जा है, इसका बाजार में 18-19 करोड़ है, हम इसको एक्सटेंड करेंगे, सब व्यापारी को पैसा देंगे और इसका कलेक्शन दिनेश करेगा, हमारा छोटा भाई दिनेश। तो वो सब हुआ, दिनेश ने कलेक्शन किया और दिनेश ने कलेक्शन करने के बाद दिनेश को बहुत लोगों का फ़ोन गया, मैंने भी दिनेश को फ़ोन किया, एक दो लोग मेरे पास भी आए थे, लेकिन दिनेश के थ्रू मेरा वो काम नहीं हुआ। एक मेरा दोस्त है नवीन हरिओम वाला, उसने एक बंदा मेरे पास भेजा था। फिर मैंने राजा गेमानी को वो टेक ओवर किया, हैंड ओवर किया, तो राजा गेमानी ने उसको कुछ ओमी से बात करके ओमी के थ्रू ही, ओमी कालानी के थ्रू ही उसको कुछ पेमेंट दिला के उनका सुलह किया था। लेकिन यहाँ के जो लोकल स्थानीय व्यापारी है उसमें से जहाँ तक मुझे मालूम है किसी को कुछ पैसा नहीं मिला सिवाय अमर मास्टर के। अमर मास्टर को कुछ पूरा पेमेंट नहीं मिला, लेकिन मैं समझता हूँ आधा पौना पेमेंट मिला ऐसा मेरे को मालूम पड़ा। और इसमें भी दिनेश हमारा छोटा भाई है, वो दिनेश को मैं समझता हूँ मिसयूज़ किया गया, और पैसे के मामले में कोई भी बीच में आए पॉलिटिशियन आदमी या दिनेश जैसा हमारा भाई जैसा आदमी और नाम ख़राब करे वो बात एक्चुअली ठीक नहीं है। ये मेरा व्यापारी भाइयों से सुझाव है, जो अभी जीन्स का मसला चल रहा है गारमेंट वालों का और कच्चे कपड़े वालों का, ऐसा कोई समीकरण नहीं बनाए जैसे शंकर पोपटाने के जैसे 2 नंबर वाले कालानी कालानी आके यहाँ अपने 5 नंबर के उल्लासनगर व्यापारी का फ़ायदा लेते रहे, किसी व्यापारी को ठेंगा नहीं मिला, वो समीकरण नहीं बनाए।